So yesterday we were discussing about relations. तो आज हम उसका problems करेंगे. Relation मतलब it is a subset of A cross B. So relation का जो जैसे if A में three elements है, B में अरे तो ए में पी एलिमेंट्स है, बी में क्यू एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में पी इंटू क्यू एलिमेंट्स होगा. एंड ए क्रॉस बी के लिए टू टू द पावर पी क्यू सबसेट्स होगा. हर सबसेट को रिलेशन बोलते हैं. रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, सेकंड एलिमेंट को रेंज बोलते हैं. सब हमने देखा था. सो एक प्रॉब्लम करेंगे तो और समझ में आएगा. देखो ये ए इज इक्वल टू सेट 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा अप टू 40. रिलेशन फ्रॉम A to A, relation from A to A, okay? So, number of elements in A cross A, just for your understanding, number of elements in A cross A, kitna hoga? 14 into 14, correct? A cross A mein elements hoga 14 into 14, which is 196. Then subsets, just for information only, subsets of A cross A, it is known as, this is known as relation from A to A, every subset A cross A. So kitna relation hoga? Number of relations A cross A mein 196 elements hai. So 2 to the power 196. So it's a very huge number. Okay? So that many relations are there. So we are not going to write all those relations and all those things. So usme se ek relation इधर दिया है उन्होंने. Relation is equal to set of all ordered pairs such that 3x minus y is equal. This is that relation. 2 to the power 196 relation से एक relation. So देखो ये कौन सा form है दिया है. It is set. This is set builder form, right? Yes, sir. It is set builder form. कल हम यही बता रहे कि relation को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं. अभी हमें क्वेश्चन ऐसे कि डोमेन कोडोमेन एंड रेंज लिखो करके. तो डोमेन कोडोमेन सब चाहिए तो हमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सब चाहिए. इसलिए हम सबसे पहले इसको हम रोस्टर मेथड में लिखना है. देखो रिलेशन इज इक्वल टू सभी ऑर्डर्ड पेयर इन सच ए वे दैट 3x माइनस वाई 0 होना चाहिए. मान लीजिए आपने एक्स को 1 दे दिया. एक्स को 1 दिया है तो 3 इंटू 1 3 3 माइनस 3 इज 0. सो 1, 3 करेक्ट. एक्स को आपने 2 दे दिया सो 3 इंटू 2 6 देन 6 माइनस 6 है 0. सो 2, 6 एक्स को आपने 3 दे दिया सो 3 को 3 y9 सो y9 आएगा सो 3, 9. एक्स को 4 दे दिया 12. अभी x को 5 दे दिया तो 5 into 3 15. 15 minus 15 है बट वो 15 a में नहीं है. सो 5, 15 वाला कुछ इसमें से नहीं आएगा. सो दिस इज अ रिलेशन. क्लियर. ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज रोस्टर फॉर्म. रोस्टर में देर. सो दैट इज व्हाट यस्टरडे आई टोल्ड यू अ रिलेशन. Okay, relation from A to A मतलब it is A cross A का subset. और relation from A to B मतलब it is A cross B का subset. उस relation को आप roster method में भी लिख सकते हैं, set builder form में भी लिख सकते हैं. अभी हमारा question था what is the domain? Domain of a relation. Domain of a relation is set of all first values. So 1, 2, 3, 4. Range
रेंज ऑफ अ रिलेशन मतलब सेट ऑफ ऑल सेकंड वैल्यूज 3, 6, 9, 12 अभी कोडोमेन कोडोमेन इज एक्चुअली सेकंड सेट दैट इज ए बिकॉज इट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए सो द सेकंड सेट इज नोन एज कोडोमेन अंडरस्टूड एंड देखो इधर रेंज आप देख सकते हैं रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन इज ऑलवेज बी कोडोमेन इज कंप्लीटली द सेकंड सेट रेंज मतलब ओनली दैट आउटपुट वैल्यूज फर्स्ट वैल्यूज आर नोन एज इनपुट वैल्यूज सेकंड क्योंकि इधर एक इधर इनपुट देगा इनपुट इधर इनपुट इधर इनपुट देन हियर आपका मशीन वो मशीन है इधर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो देन इधर आपका आउटपुट मिलेगा आउटपुट सो इनपुट वैल्यूज आर नोन एज डोमेन आउटपुट वैल्यूज आर नोन एज रेंज रेंज ओके यस सर या सो इसको आप पिक्चोरिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्चोरिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज लाइक इधर आपका एरो डायग्राम इधर ए आएगा इधर भी ए ही आएगा क्योंकि दोनों ए ही है सो इधर ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा पूरा लिखना पड़ेगा 14 तक है इधर भी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सब आएगा सो जब आरो डायग्राम यूज करेगा देख सकते हैं 1 will go to 3 सो 1 goes to 3 2 goes to 6 3 goes to 9, 9, 4 goes to 12, 12 तो ऐसे आप आरो डायग्राम दिस इज नोन एज आरो डायग्राम सो इट इज पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन सो इसमें से कंप्लीट डिटेल्स हो गया फुल डिटेल्स हो गया रेंज के रिलेशन के बारे में देखो रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं रोस्टर मेथड में लिख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन को डोमेन बोलते हैं सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन को रेंज बोलते हैं सेकेंड सेट को कोडोमेन बोलते हैं कोड रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा और फर्स्ट वैल्यूज को इनपुट बोलते हैं सेकेंड वैल्यूज को आउटपुट भी बोलते हैं इसको हम पिक्चोरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको आरो डायग्राम बोलते हैं आरो डायग्राम क्लियर देखो डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट मीन्स इट इज फ्रॉम ए उसका मतलब है सेट रिलेशन रिलेशन ऑन एन इसका मीनिंग है रिलेशन फ्रॉम एन to n natural number to natural number that's the meaning so natural number relation kya hoga then relation is subsets of n cross n subsets of n cross n n mein infinite number of elements hai so n cross n mein infinite number of elements hoga
So n cross n में infinite number of elements है तो उसका subset भी infinite होगा. There are infinite number of relations are there from natural number to natural numbers. उसमें से ये एक दिया है, उसमें से ये एक relation दिया है इधर. उसमें से एक relation दिया है. Set of all ordered pairs is that. So you have to write that relation. Set of all ordered pairs is that. Y is equal to x plus 5. X is a natural number less than 4. So natural number less than 4 है तो x का value 1 हो सकते हैं, है ना? 2. तो 1 plus 5 y कितना आएगा? 6. 2. 7. 3. 8. Less than 4 है, so 4 नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा. है ना? So domain set of all first values 1, 2, 3, range 6, 7, 8 हो गया. Understood? Okay. Then question number 3 देखो. Again, A is equal to 1, 2, 3, 5. B is equal to 4, 6, 9. Define a relation R from A to B. It is like this. Difference between X and Y is odd. Roster form में लिखना है. So relation from A to B. So relation में क्या क्या आ सकते हैं देखो. R. So first element is 1 है तो 1 comma 4 आएगा. 1 comma 6 आएगा क्योंकि difference is 5. है ना? Then 1 comma 9 नहीं आएगा. 2 comma 9 आएगा. 3 comma 4 आएगा. 3 comma 6 आएगा. 6. 3 comma 9 नहीं आएगा क्योंकि 3 comma 9 difference is 6. Then 5 comma 4 आएगा. Difference is 1. 5 comma 6. Difference. So this is a relation. So roster form में लिख दिया. अगर हमें मान लीजिए domain लिखना है तो set of all first values 1, 2, 3, 5. Range लिखना है तो set of all second values 4, 6, 9. So इधर देखेंगे तो range and codomain are in this particular case range and codomain are same. Understood? Question number 4 देखो. Picture में एक relation arrow diagram use किया है. Set builder form में लिखना है, roster form में. पहले roster form में लिखेंगे. Roster form में लिखेंगे तो set of all elements like this. 5, 3, 6, 4, 7, 5. तो आप इसको set builder form में कैसे लिख सकते हैं? Set of all ordered pair difference 2 का. That's that. And हम ऐसे बोल सकते हैं relation on n natural number to natural number, correct? हमको बोलना है ना relation किधर है करके. Yes, sir. Relation on n. ऐसे बोल सकते हैं कि y is equal to x minus 2, correct? 2. Y is equal to x minus 2. But AB बोल रहा है कि x को पूरा वाली नहीं, सिर्फ 5, 6, 7 only. आप देख सकते हैं x is equal to 5, 6, 7. 7. And AB बोल सकते हैं कि x, y are natural numbers. हो गया. So domain. Yes, sir.
domain is equal to 5, 6, 7. Input values range 3, 4, 5. Then A is equal to set 1, 2, 3, 4, 6. RB is a relation defined in such a way that, so relation on A matlab it is from A to A. Relation on A matlab uska meaning hai, relation on A matlab it means it's relation A to A. Yeah, relation from A to A. Okay. So it is defined like set of all ordered pairs such that first one, second element is exactly divisible by first element. So second element is exactly divisible by first element, na? So kya kya sakte hai? 1, 2. हाँ उसके पहले 1, 1 भी आएगा. 1, 1, 1, 2. 1, 3, 1, 4, 1, 6. तो आएगा क्योंकि second one is divisible by 1, 2 is divisible by 1, 3, 4, 6 all are divisible by 1. So इतना तो element आएगा ही आएगा, correct? Yes, then 2, 4, 2, 6 because 4 and 6 is divisible by 2, correct? Then 3. हाँ एक एक मिनट, एक एलिमेंट तो भूल गया. 2, 2 तो ए टू ए है ना, सो 2, 2, 2, 4, 2, 6 देन 3, 3, 3, 6 अभी हमने 1, 2, 2, 3, 3 देन 4, 4, 4, 4 6, 6 है ना. सो इन एवरीवेयर द सेकेंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाय द फर्स्ट एलिमेंट. सो रोस्टर फॉर्म में लिख दिया. अभी डोमेन इज सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज. सो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6 पूरा का पूरा एलिमेंट आ गया. रेंज देखो आउटपुट वैल्यूज. सो अभी आउटपुट वैल्यूज के वो पूरे आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 6. दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं, मीन्स दो बार आए तो दो बार लिखने की कोई जरूरत नहीं. सो इधर ऑल्सो रेंज इज सेम एज द कोडोमेन है ना. यस. क्वेश्चन नंबर 6 देखो. Find the domain and range of the relation R defined by it is like this. Set of all ordered pairs says that first element, second element is x plus 5. So x ka value hote 0 to 5. So 0 hai to 5, 1 hai to 6, 6. 2 hai to 7, 2, 7. 3 hai to 8, 8, 4, 9, 5, 10. 10. Okay, because x ka value 0, 1, 2, 3, 4, 5 da. So domain. Domain is 0, 1, 2, 3, 4, 5.
range is equal to 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seventh question, देखो. Relation is set of all ordered pair x comma x cube. X is a prime number less than 10. So relation आएगा prime number less than 10. So 1 is not prime. So 2 is prime. So 2, 8, 3, 27, 5, 1 to 5. 7, कितना आएगा 3, 4, 3 तो हो गया है ना. यस सर. या नाउ एट्थ क्वेश्चन देखो. एट्थ क्वेश्चन ए इज इक्वल टू एक्स वाई सेट, बी इज इक्वल टू 1, 2. फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी के कितना एलिमेंट्स होगा 3 × 2 6 elements, right? Then number of relations from A to B, it is actually number of subsets of A cross B. A cross B का subset से A cross B में 2 elements, 6 elements है, so A cross B का subsets 2 to the power 6. So कितना 64. Okay. Now. Yes, sir. Ninth question. R be a relation on Z, means integer. Integer में infinite number of elements है. So integer cross integer, Z cross Z में infinite number of elements होगा. तो उसके लिए 2 to the power infinity subsets होगा. That means infinite number of relations are there. तो उसमें से एक relation दिया है कि set of all ordered pair AB says that both A and B are integers and A and B are integers or A minus B is integer. So relation में देखो हम पहले zero से शुरू करेंगे. 0 - 0 is an integer, है ना. 0, 1 is an integer. Difference of any integer is an integer, है ना. 0, 2 is an integer, etc. 0, -1 is an integer, right? 0, -2 is an integer. 0, -3. Infinity. So ये सब उतना पूरा आएगा. वैसे सब के लिए आएगा ना. 1, 0. 0, infinity नहीं बोल सकते क्योंकि infinity is not a number. ऐसे it will go on like the 0, -3, 0, -4, 0, -5, 0, 4, 0, 5. ऐसे सब आएगा, है ना? क्योंकि difference of two integers is again an integer. Integer. Yeah, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Then 1, -1, 1, -2, 1, -3, सब आएगा, है ना. वैसे -1 का भी -1, 0, -1, -1, -1, 1, -1, 2, etc. -1, -1, -2, -1, -3. So पूरा का पूरा आएगा. इट इज एक्सेट्रा बहुत ज्यादा आएगा. सभी आएगा ना. सभी इंटीजर, सभी एलिमेंट, सभी इंटीजर इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट, एवरी इंटीजर. क्योंकि कोई भी इंटीजर का डिफरेंस अगेन इंटीजर है. सो डोमेन, डोमेन आएगा, क्या आएगा? पूरा इंटीजर्स. इज इट इटसेल्फ. रेंज भी आएगा क्या? पूरा इंटीजर्स.
Understood. Hi, समझ में? Yes, sir. Okay. 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 So now we are going to discuss another important concept, which is known as function. This is a very basic idea. Maybe you are also hearing this name first time, functions. Okay. Functions. So function is a relation itself. A relation, it's a relation. Say naam de diye f from a set A to a set B is said to be a function if every element of A has one and only one image in B. So that is important point. It's a relation only. It's a relation only. But wo relation ke liye ek condition hai. First condition. Every element of A, it is a function from A to B. It is a जैसे हम ऐसे लिखते हैं function two dot that means it is from इसका meaning from then A arrow इसका मतलब it is a function from A to B. इधर ऐसे the function from A to B is denoted by F semicolon A to B. इसका meaning it is a function from A to B and what is a function? It is a relation only, but a particular type. Every relation is not a function. A particular relation. A particular relation. Is called a. A particular relation is called a function. उसका मतलब every relation is not a function. So ये particular relation क्या है और particular और specialty क्या है condition one. Every element of set A has, so every element of A मतलब first set का element, that means every input has only one output. Should have first condition, every input should have one output. सभी input के लिए output होना चाहिए. Second, every input is having output. Unique output. Unique, that means one and only one. One and only one output. That's a condition. ठीक है एवरी इनपुट के लिए आउटपुट होना चाहिए एंड एवरी इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए दो आउटपुट नहीं होना चाहिए. I will show you. देखो इधर सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी. I'm going to define a function from A to B. Either say 1, 2, 3, either A, B, C, D. One is mapped to A. Two is mapped to B. So this is a relation.
it is a relation. Hai na, pakka relation na, it's is relation. But not a function. कारण क्या है? No के लिए आउटपुट नहीं है. Yeah, no output for 3. अभी ऐसे यही फंक्शन जैसे आना था उससे ही फंक्शन में दिखाएंगे. जैसे b 1 2 3 a b c d 1 is map to a, 2 is map to b, 3 is map to c, 3 is map to d. Dekho, it's a relation. Is it a function? No, it's a relation. First condition is true. Every input is having output. Not a function. Function because 3 has two output. So it's not a function. Same question. 1 2 3 a b c d. So a to b. One is map to b, 2 is map to d, 3 is also map to b. Is it a function? Yes, it's a function because every input is having output. 1 ke liye output hai b, 2 ke liye output hai d, 3 के लिए आउटपुट है बी. ओके, इधर इधर 1 9 3 का आउटपुट सेम है बट कोई इश्यू नहीं. एवरी इनपुट के लिए आउटपुट होना चाहिए, सो आउटपुट तो है. एंड यूनिक आउटपुट, कोई भी इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं है, है ना. 1 के लिए ओनली 1 आउटपुट, 2 के लिए ओनली 1 आउटपुट, 3 के लिए भी ओनली 1 आउटपुट. हो सकते दो एलिमेंट का आउटपुट सेम आ गया, उसमें से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. सिर्फ कंडीशन यही है कि it's a function if every element of A has one and only one image in the set. But different image aana karke kuch bola nahi, different image aana hai karke kuch bola nahi. Every element should have an image, but unique image, ek hi image hona chahiye. So, to hum bolte hain jaise first set walon ko bolte hain image, pre image bolte hain, second set walon ko bolte hain image bolte hain. Jaise इधर है ना, जैसे हम बोलते हैं कि ए इज द इमेज ऑफ 1 और 1 इज द प्री इमेज, ऐसे बोलते हैं. जैसे इधर अभी कट हो जाएगा कॉल, बट इसको बोलते हैं बी इज द इमेज ऑफ 1 एंड 3 और 1 एंड 3 आर द प्री इमेज ऑफ बी, ऐसे बोलते हैं. ठीक है, एंड मोर प्रॉब्लम्स वील डू इन टुमोरोस क्लास. टाइम पर आ जाना. ओके, एंड सी यू इन टुमोरोस क्लास. ओके, यस सर, या बाय बाय.